क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है वन, एंड द आंसर इज कंप्लीट। सो क्या इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं? क्या ये जो क्वेश्चन था, ये रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी था? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है वो केवल एक नंबर है, दैट इज वन। इसको हम अगर बताते हैं कि किस लोकेशन पर जाना है, तो वहां पर हम लोग नंबर भी यूज करते हैं, यूनिट भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग डायरेक्शन भी यूज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो वैसे सारे के सारे क्वांटिटीज जहां पर प्रॉपर मैग्नीट्यूड भी हो और एक फिक्स डायरेक
या दक्षिण दिशा की ओर बोलने का बोल सकता हूं, लेकिन 10 किलो आलू मुझे मिल जाएगा, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका डायरेक्शन पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, बट फिर भी हम उसको स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। तो स्केलर क्वांटिटीज हम किसको कह रहे थे? स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं वैसे फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें कि प्रॉपर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो। तो अब हम लोग आते हैं स्केलर क्वांटिटी, बट यहां पर हम लोगों को इसको स्केलर क्वांटिटी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये वेक्टर के सारे टर्म्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। तो फिर वेक्टर होता क्या है, इस पर भी अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम जा रहे थे, न्यू कार था, दिल्ली से खरीद के मुंबई जा रहे थे, उस समय ऑडोमीटर ये बताया कि ये 0 किलोमीटर है, और जब हम यहाँ पर पहुंच गए तब हम लोगों को ऑडोमीटर बताता है कि 500 किलोमीटर है। इट मींस हम कितना डिस्टेंस कवर किए, 500 किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, डिस्टेंस हम इतना कवर किए, बट उस डिस्टेंस को कवर करने में हमने कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया है? बहुत बार। सो इनिशियल से फाइनल पोजिशन तक हमने बहुत बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया है, इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपरली एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बट वेलकम टू द मार्कर क्लास, और आज हम लोग मार्कर क्लास में जेई सीरीज में स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो अपने सबसे पहले क्लास जिसको हम बाइट वन कहते हैं, उसमें वेक्टर के सारे प्रॉपर्टीज, स्केलर के सारे प्रॉपर्टीज और वेक्टर स्केलर से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ये आता है कि स्केलर का मतलब, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बट ये कहना बहुत गलत है। कई बार हम लोग इसको बहुत ही कैजुअल वे में कह देते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर, बट ये इतना भी कैजुअल वे में नहीं कहा जा सकता। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से यहाँ पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि स्केलर क्या है, वेक्टर्स क्या है, और फाइनली यहाँ पर हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर्स, वेक्टर नोटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर से और देखते हैं कि स्केलर क्या है। इसको बहुत ही मतलब हम डेप्थ में जाकर के ऐसे डिस्कस करें जैसे कि ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाए, क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हो गया, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और अब हम लोग यहाँ पर काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, आप अगर इसको ध्यान से समझिएगा तो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है, उसको बेसिकली हम अगर स्टैंडर्ड 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हम स्केलर और वेक्टर इन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर हम उन सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो। मैंने ये नहीं कहा कि डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो, और अगर डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन रह सकता है, रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसको एकदम शुरू से समझते हैं और इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले तीन सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है उनको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मेरे हाथ में कितना पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1 एंड द आंसर इज कंप्लीट। ठीक है, दूसरा, इस पेन का लेंथ क्या है, इस पेन का लेंथ होगा कुछ अराउंड 10 सेंटीमीटर
और 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया अराउंड 10 सेंटीमीटर एंड द आंसर इज कंप्लीटेड। नाउ अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहां से अगर मुझे 5 किलोमीटर दूर किसी एक लोकेशन में जाना है, कोई भी एक रैंडम लोकेशन हो, तो वहां तक जाने का तरीका क्या होगा? तो हम लोग अगर नीचे से स्टार्ट करें, रोड से स्टार्ट करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम 10 मीटर स्ट्रेट जाएंगे, 10 मीटर स्ट्रेट जाने के बाद फर्स्ट राइट लेंगे, राइट लेने के बाद हम 2 किलोमीटर फिर स्ट्रेट जाएंगे और उसके बाद हम लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट जाने के बाद फिर हम 3 किलोमीटर स्ट्रेट चलेंगे। तो यहां पर 10 मीटर स्ट्रेट राइट, 2 किलोमीटर स्ट्रेट लेफ्ट, 3 किलोमीटर स्ट्रेट। आप इन तीनों क्वेश्चन को एक बार प्रॉपरली एक्सप्लोर करके देखिए तो आपको क्या पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे हाथ में कितना पेन है और उसका आंसर आया 1 एंड द आंसर इज कंप्लीट। सो क्या इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं? क्या ये जो क्वेश्चन था ये रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी था? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है वो केवल एक नंबर है, दैट इज 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन था कि स्पेन का लेंथ क्या है, तो स्पेन का लेंथ के लिए हम लोग बोले 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का एक खास बात, वो क्या? यहां जब फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे थे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था केवल एक नंबर, लेकिन सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नंबर प्लस यूनिट, नंबर प्लस यूनिट, होगा कि नहीं? हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन केवल नंबर था, क्या वो फिजिक्स का क्वेश्चन है? नहीं है। सेकंड क्वेश्चन नंबर प्लस यूनिट है, क्या ये फिजिक्स का क्वेश्चन है? हाँ, लेंथ ऑफ द पेन फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर भी है और एक प्रॉपर यूनिट भी है, और नंबर और यूनिट इन दोनों को एक साथ अगर मिला दें तो इसी को हम शॉर्ट में मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर प्लस यूनिट, नॉट ओनली नंबर, नंबर प्लस यूनिट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फोर्स वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो फोर्स वेक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये अल्फाबेट है, उसके ऊपर ये एरो है। अब अगर हम बोले 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, दैट मींस 10 न्यूटन पूर्व दिशा की ओर, उस केस में अगर हम आपसे ये पूछें कि इस पूरे के पूरे वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ना कि 10। 10 केवल एक नंबर होगा, वो मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसमें नंबर भी और यूनिट भी होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर और यूनिट दोनों मिलकर क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं यहां पर, आप देखिए नंबर भी देखते हैं, यहां पर देखिए आप यूनिट भी देखते हैं, और ये जो स्ट्रेट है, राइट है, लेफ्ट है, ये सब डायरेक्शन भी है। तो जब किसी को हम अगर बताते हैं कि किस लोकेशन पर जाना है, तो वहां पर हम लोग नंबर भी यूज करते हैं, यूनिट भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग डायरेक्शंस भी यूज करते हैं, यहां पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो वैसे सारे के सारे क्वांटिटीज जहां पर प्रॉपर मैग्नीट्यूड भी हो और एक फिक्स डायरेक्शन भी हो, हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फिलहाल टॉकिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मींस नॉट ओनली नंबर बट नंबर प्लस यूनिट। तो मैग्नीट्यूड हो जिसमें कि नंबर और यूनिट दोनों होगा, और डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो। अगर मुझसे पूछा जाए कि अभी कितना बजा है और मैं बता दूं कि अभी 9 बजा है पूर्व दिशा की ओर, तो हो सकता है कि पूर्व दिशा की ओर 9 बजा हो और पश्चिम दिशा की ओर भी 9 ही बजा हो, लेकिन क्या यहाँ पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है? नहीं। अगर 9 बजा है तो 9 बजा है, वो पूर्व हो या पश्चिम, 9 ही बजा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, मैं जोड़ भी सकता हूँ, नहीं भी जोड़ सकता हूँ। मैं अगर कहीं जाता हूँ और जाकर के वहाँ सब्जी खरीदता हूँ, सब्जी वाले भैया को बोलता हूँ भैया आप 10 किलो आलू दे देना, तो क्या मैं बोलूँगा 10 किलो आलू दे दीजिएगा दक्षिण दिशा की ओर? बोलने का बोल सकता हूँ, लेकिन 10 किलो आलू मुझे मिल जाएगा, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका डायरेक्शन पहले से प्री डिटरमिंड होता है, बट फिर भी हम उसको स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एक अच्छा सा केस है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम लोग देखें।
तो स्केलर क्वांटिटीज हम किसको कह रहे थे? स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं वैसे फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें कि प्रॉपर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो। तो अब हम लोग आते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसका क्या डेफिनेशन होगा? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज प्रॉपर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, और डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो हमें ये नहीं कहना चाहिए, या इट इज अ लूज वे ऑफ टॉकिंग कि डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर हम इसको, बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट का फ्लो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो करंट का फ्लो ए से बी होगा या बी से ए होगा? ऑब्वियसली करंट का फ्लो ए से बी होगा, दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये क्या होगा? ए से बी की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए से बी। तो क्या डायरेक्शन हम लोगों को पता है यहां पर? तो करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोले या वेक्टर क्वांटिटी बोले, डायरेक्शन पता है तो सडनली मन में आता है कि नहीं इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं, बट यहां पर हम लोगों को इसको स्केलर क्वांटिटी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये वेक्टर के सारे टर्म्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। तो फिर वेक्टर होता क्या है, इस पर भी अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार कि वेक्टर क्या होता है। प्रॉपर मैग्नीट्यूड हो, दूसरा डायरेक्शन फिक्स्ड हो, तीसरा लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर ले। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर लेना चाहिए। प्रॉपर मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? देखिए, प्रॉपर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं, और प्रॉपरली मेजर करने के लिए हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम वाला हमको एक यूनिट चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो कितना अच्छा, इस अच्छा और बुरा को क्या हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट प्रॉपर मैग्नीट्यूड, मीन्स ये जो अच्छाई है ये किसी भी तरह से एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रॉपर मैग्नीट्यूड नहीं है। बट राम का जो हाइट है वो 6 फिट है या 6 फिट 2 इंच है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हाँ, 6 फिट 2 इंच मीन्स आप इस पूरे ग्लोब के किसी भी कोऑर्डिनेट में चले जाइए, 6 फिट 2 इंच का जो मेजरमेंट है वो बहुत फिक्स है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर मैग्नीट्यूड। सो अच्छाई एंड बुराई कैन नॉट बी अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव प्रॉपर मैग्नीट्यूड। बट वही चीज अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसके पास एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए का क्या मतलब होता है? चलिए इस बात को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि डायरेक्शन फिक्स होगा तो क्या होगा। देखिए, तो यहां पर हम लोग ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसको हम दिल्ली मान लेते हैं, इसको हम मुंबई मान लेते हैं। अब दिल्ली से मुंबई हमको जाना है, बाइक से जाए, कार से जाए, आप जैसे जाना चाहें वैसे जा सकते हैं, लेकिन फॉलो तो रोड ही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यही रोड है, इस रोड को फॉलो करके हम मुंबई पहुंच गए। जब हम यहां से निकल रहे थे तब टाइम हो रहा था सुबह का 9, और जब हम मुंबई पहुंच रहे हैं तो यहां पर टाइम हो रहा है शाम का 5। ठीक है, तो समय जितना भी लगा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम यहां से निकल रहे थे तो जिस बाइक या कार में जा रहे थे उसकी स्पीडोमीटर के अंदर आप देखिएगा एक ऑडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर जैसे स्पीड बताता है, ऑडोमीटर वैसे क्या बताता है? कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहां पर जब हम जा रहे थे, न्यू कार था, दिल्ली से खरीद के हम मुंबई जा रहे थे, उस समय ऑडोमीटर ये बताया कि ये 0 किलोमीटर है, और जब हम यहां पर पहुंच गए तब हम लोगों को ऑडोमीटर बताता है कि 500 किलोमीटर है। इट मींस हम कितना डिस्टेंस कवर किए? 500 किलोमीटर।
ठीक है, बहुत अच्छी बात। डिस्टेंस हम इतना कवर किया, बट उस डिस्टेंस को कवर करने में हमने कितनी बार अपने डायरेक्शंस को चेंज किया है? बहुत बार। सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हमने बहुत बार अपने डायरेक्शंस को चेंज किया है, इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपरली एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बट इन केस हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां एंड किया, मैं अगर पूछूंगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, तो हाँ भाई बिल्कुल है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमने यहां दिल्ली से मुंबई तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, और अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहां से यहां तक इस पाथ में क्या डायरेक्शन कहीं भी चेंज हो रहा है? नहीं, डायरेक्शन इज फिक्स्ड। तो ये डिस्टेंस कितना है? ऑब्वियसली 500 किलोमीटर तो होगा नहीं, तो ये कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट 500 से कम ही होगा तो 300 किलोमीटर मान के चलते हैं। तो ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए 300 क्या है? नंबर। किलोमीटर क्या है? यूनिट। दोनों मिलके क्या बना? प्रॉपर मैग्नीट्यूड। अब आते हैं डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट। हालांकि एक बात आपको पता होगा कि दिल्ली से मुंबई वेस्ट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ ज्योग्राफी डिस्कस कर नहीं रहे, हम लोग तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स। तो यहाँ पर ये क्या है? टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमको एक फिक्स डायरेक्शन मिल गया। क्या यहां से यहां तक इस रास्ते में जाने में हमने कहीं भी अपना डायरेक्शन चेंज किया? नहीं, डायरेक्शन इज फिक्स्ड। सो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होता है? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। तो इस तरह से हम लोगों को एक बात पता चल गया, एक नहीं दो बातें पता चली। वो क्या? पहला कि जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को देख रहे होंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए, डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके प्रॉपर्टीज में चलते हैं कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसको तो हम अपने थर्ड बाइट में जरूर देखेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को यहां पर देखना होगा कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक ग्लिम्स क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली क्या होता है वो समझिए। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं टू मैन प्लस टू मैन, आंसर इज फोर मैन। एक्चुअली में यहां पर ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये माफ होता है। क्यों? क्योंकि हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो टू मैन बिकम्स फोर मैन। तो इस तरह के सारे एल्जेब्रिक सम को हम एरिथमेटिक के एल्जेब्रिक सम कहते हैं। बट एक बात हम सब एक एग्जांपल के लिए बात तो जरूर जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं टू न्यूटन फोर्स प्लस टू न्यूटन फोर्स इक्वल्स फोर न्यूटन फोर्स? नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको सिंपली एरिथमेटिक सम या एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते। रीजन क्या है वो भी देखते हैं। यहां पर देखिए, अगर कोई फोर्स है जो इस तरफ लग रहा है टू न्यूटन, और दूसरा फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है वो भी टू न्यूटन, दो फोर्स एक ही पॉइंट पे एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तब नेट फोर्स होगा फोर न्यूटन। ठीक है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, दो न्यूटन का फोर्स इधर लगा, दो न्यूटन का फोर्स इधर लगा, इस पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो न्यूटन। क्या ये दोनों दो दो न्यूटन नहीं है? हाँ है। क्या ये दोनों दो दो न्यूटन नहीं है? हाँ है। तो यहां पर फोर न्यूटन नेट फोर्स था, यहां पर जीरो न्यूटन नेट फोर्स है। इसका क्या मतलब है? केवल डायरेक्शन चेंज होने से पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंपैक्ट चेंज हो गया। यहां पर डायरेक्शन सेम था तो मैथमेटिकल आंसर था फोर न्यूटन, यहां पर जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है तो हम लोगों के लिए मैथमेटिकल आंसर क्या था? जीरो न्यूटन। तो ऐसा कोई भी कंडीशन जहां पे केवल डायरेक्शन से पूरा रिजल्ट इंपैक्ट हो जाए
डायरेक्शन के चेंज होने से पूरा पूरा रिजल्ट चेंज हो जाए, उस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा कि करंट इसीलिए, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, करंट इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। तो क्या होगा अगर हम यहां 2 न्यूटन बोल दें और यहां 2 न्यूटन बोल दें। चलिए एक ही तरफ 2 न्यूटन था, 4 न्यूटन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन था, 0 न्यूटन हो गया। What about if these 2 newtons means pair of 2 newtons are acting perpendicular on each other? तब क्या होगा? तब हम लोग इसके लिए law of vector addition देखेंगे, जो अपने तीसरे byte में देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ तक vector quantities के बारे में तो समझ गए, अब vector notations में आते हैं, ठीक है? तो ये केवल एक introductory class है, जो हमें ये बताता है कि vector को और कितनी गहराई से हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटीज के बाद अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर नोटेशन का। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर नोटेशन हम लोग यहाँ पे पहले ही यहाँ पर लिख करके रखे हैं। वेक्टर नोटेशन क्या होता है, वेक्टर वेक्टर नोटेशंस। तो देखिए वेक्टर नोटेशन को हम लोग बहुत कहना चाहें अगर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो द वे वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर्स आर नोन एज वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन को रिप्रेजेंट कैसे, मतलब वेक्टर नोटेशन क्या कहता है। वेक्टर नोटेशन में हम ये सीखेंगे कि वेक्टर को नोट कैसे करेंगे या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो क्या क्या होगा, मान लीजिए हम अगर किसी फोर्स वेक्टर की बात करते हैं, ये सबसे प्यारा वेक्टर होता है, आसान सा वेक्टर होता है फोर्स वेक्टर। अदरवाइज हम बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर, और भी अगर कुछ होता है तो यहां पर देखते हैं मोमेंटम, ये 3 क्वांटिटी केवल समझने के पर्पस से। तो देखिए फोर्स वेक्टर, जब हम फोर्स वेक्टर की बात करेंगे तो क्या फोर्स को हम एफ से डिनोट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम वी से डिनोट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और मोमेंटम को जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं। वेक्टर अगर होगा तो इसके ऊपर हम एक एरो देंगे, इसके ऊपर हम एक एरो देंगे, इसके ऊपर हम एक एरो देंगे, और इस तरह से हम क्या बताएंगे कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह का जो हम कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट देख रहे हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मोमेंटम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप एक अल्फाबेट चुन सकते हैं और उसके ऊपर आप एक एरो लगाइएगा। दूसरी बात, कई बार बहुत सारे नोविस स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट होते हैं वेक्टर के लिए, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम फोर्स वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो हम फोर्स वेक्टर ऐसे लिख देंगे। ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। फोर्स वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, हम कोई भी एक अल्फाबेट चुन लें, जस्ट फॉर द टाइमिंग एक्स। तो एक्स वेक्टर अगर है और हमको इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है प्रॉपरली, तो हम यहां पर ऐसे एक एरो खींच देंगे। ये एरो हमेशा टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए, और जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो इस फिगर को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस फिगर को हम कभी नहीं भूलेंगे, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसे ही होगा। अब आते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है? देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, किसी भी वेक्टर को, एग्जांपल के लिए फोर्स वेक्टर को अगर हम एफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये प्रॉपर एरो जो है, इसमें जो लेंथ ऑफ द एरो है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, हर बुक में वेक्टर के हर चैप्टर में यह बात लिखा रहता है कि लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द एरो और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। So this is magnitude and the arrowhead represents direction. Example के लिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए
ये देख सकते हैं यहां से हम लोग ऐसे एक बार इसको पूरा मिटा दें। यहां पर देखिए जैसे ये एक 1 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो 5 न्यूटन फोर्स क्या होगा, तो इतना ही बड़ा बड़ा हम लोगों को 5 लाइंस खींचने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 न्यूटन है तो ये 5 न्यूटन है, और ये जो 1 न्यूटन ये ड्यू ईस्ट है, ये 5 न्यूटन भी ड्यू ईस्ट है। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता यही चला कि ये जो छोटा सा एरो है ये छोटा सा फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बड़ा सा एरो है ये बड़ा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लेंथ है वो प्रॉपरली क्वांटिफाई किया गया है कि ये इतना लेंथ अगर 1 न्यूटन है तो इतना ही बड़ा बड़ा 5 लेंथ जो होगा वो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम पढ़ना चाहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर एडिशन के मेथड को सीखना चाहते हैं। इस बात को एकदम दिमाग में उतार लीजिए कि लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द एरो और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। चलिए तो ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम लोग पोजिशन वेक्टर में। तो पोजिशन वेक्टर क्या होता है भाई, उसको भी देख लिया हम लोग। देखिए जनरली फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम सारे के सारे पोजीशंस को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच करते हैं। तो यहां पर जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहे हैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसको यहां पे ले लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम पोजिशन वेक्टर कैसे पता लगाएंगे वो देखिए। मान लीजिए यहां पर आप हैं और इस पोजीशन को हम ओरिजिन कह देते हैं, मतलब आप जहां भी हैं आप अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर का जगह है जो ओरिजिन, यहां पर आप हैं, और यहां पे कहीं आपका दोस्त है जो आपसे ऑब्वियसली ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपका दोस्त आपसे कुछ दूरी पर है, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ये डिस्टेंस तो ठीक है, ये किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां से यहां के बीच में जो भी है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो आपका दोस्त यहां से 5 किलोमीटर दूर है इस जगह पर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5 किलोमीटर दूर और ये कोई एंगल होगा, वो एंगल को हम लोग θ1 मान लेते हैं। सो दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू, दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मान लीजिए आपका दोस्त यहां से बाइक चला के यहां तक चला गया, तो ऑब्वियसली आपसे यानी कि ओरिजिन से इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो गया है। हो सकता है कि ये अब ओरिजिन से 6 किलोमीटर दूर हो सकता है कि इसका एंगल चेंज हो गया हो। तो कुल मिलाकर के यहां पर हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहां पर पता चल रहा है कि ये 5 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, और इस तरह से इसका ये पोजिशन वेक्टर इनिशियल था, ये पोजिशन वेक्टर फाइनल है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को ही हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम इतना ही डिस्प्लेस किए। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी या किसी भी पोजीशन का हम या किसी पॉइंट का पोजीशन हम निकालना चाहते हैं, कहां से निकालना चाहते हैं, तो हम निकालना चाहते हैं किसी ओरिजिन से, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, पोजीशन वेक्टर। अगर वही पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट कर जाए तो जितना शिफ्ट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बारे में और भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे के बाइट्स में। चलिए अब आते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बाइट। चलिए देख लें, तो यहां पर देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये हमेशा याद रखिए, ये तो इरेजर आ गया, पेन, ये एक वेक्टर है, कंसिडर कीजिए कि इसको हम वेक्टर ए कह रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा वेक्टर है, कंसिडर कीजिए कि इसको हम बी वेक्टर कह रहे हैं, और ये है पहला केस। आते हैं दूसरे केस में, आते हैं हम दूसरे केस में, यहां पर देखिए ये है पहला वेक्टर
ये है दूसरा वेक्टर, ठीक है, और इसके बीच का ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। यहां पर ये जो एंगल था ये था 120 डिग्री, ठीक है। अब एक तीसरा भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये है एक वेक्टर और ये है एक वेक्टर, और ये जो एंगल है ये भी है 60 डिग्री, हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है। यहां पर जब भी हम एक वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, एक एरो से। एरो हेड जो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और ये लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जब भी हम किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो ये एंगल हमेशा टेल टू टेल एंगल होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम इसकी बात करें, इस सिचुएशन की बात करें, तो क्या यहां पर ये जो पोजीशन है क्या ये टेल टू टेल है, जो एंगल हम दिखाना चाहते हैं क्या ये टेल टू टेल है? नहीं, ये तो बी वेक्टर का हेड है और ए वेक्टर का टेल है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को शिफ्ट करेंगे। अगर वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बिना छेड़े हम शिफ्ट कर दें तो उससे वेक्टर के क्वालिटी पर, वेक्टर के प्रॉपर्टीज पर किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसको हम शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो अगर हम इसको उठा करके यहां रख दें, तो आप एक चीज देखिए, इसको उठाते हैं हम और यहां रख देते हैं, तो यहां पे हम रख दिए, ठीक है। तो ये बी वेक्टर अब यहां पर है, तो ये जो 120 था ये पूरा कितना होता, ये पूरा होता 180, उसमें ये 120 था। तो अब बताइए टेल टू टेल, देखिए इन दोनों वेक्टर को यहां पर टेल टू टेल मीट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां पर भी देख लेते हैं, यहां तो वही है, यहां तो ये 60 डिग्री ही है, और यहां पर हम लोग इसको सीधे 60 डिग्री क्यों मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये ए और बी टेल टू टेल कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहां पर ये दो वेक्टर दोनों हेड टू हेड कनेक्ट कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि इसको यहां बढ़ा दें और इसको यहां बढ़ा दें। अब होगा क्या कि यहां पर देखिए, ये अगर वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो बी को शिफ्ट करके हम यहां पर लाए और ए को शिफ्ट करके हम यहां पर लाए। अब ये दोनों वेक्टर यहां टेल टू टेल कनेक्ट हो गया, तो हम लोग इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए 60 डिग्री कह देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी हम समझ गए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है दो वेक्टर मस्ट एक्ट एट द सेम पॉइंट एंड देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस दीज टू वेक्टर मस्ट मीट एट द सेम पॉइंट टेल टू टेल, नॉट हेड टू टेल और हेड टू हेड, सिंपली टेल टू टेल, ठीक है। हेड टू हेड में भी वही आंसर आता है, बट यहां पर हम क्या करेंगे, कन्वेंशन लेके चलेंगे। कन्वेंशन यही होगा कि दो वेक्टर अगर टेल टू टेल मैच कर रहे हैं तो उसके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम एंगल ऑफ वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट बाइट था जिसमें कि वेक्टर के बारे में हमने बहुत ही बारीक बातें सीखी है। अब नेक्स्ट बाइट में हम इसके नेक्स्ट वर्जन पर आएंगे और ये पूरे के पूरे वेक्टर टॉपिक को हम 6 बाइट्स में खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।